हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट मंथ में मतलब जनवरी 2022 में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की CSIR नेट GRF एग्जाम होने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये CSIR नेट GRF एग्जाम क्या है। अगर ये एग्जाम आप अच्छी तरह से स्कोर करेंगे, मतलब GRF अगर आपको मिल सकती है तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड कितना मिल सकता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एग्जाम को अगर आपको अपीयर होना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो में कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, दैट इज हाउ टू अप्लाई, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसे है, हाउ इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ दिस CSIR नेट GRF एग्जाम विच विल बी हेल्ड इन जनवरी 2022। तो आज की इस वीडियो में ये सब इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CSIR नेट GRF एग्जाम जनवरी 2022। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो 2022 में CSIR नेट GRF जॉइंट रिसर्च फेलोशिप एग्जाम लेने वाले हैं, तो इनकी इस एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर चलती है। तो इन्होंने एग्जाम जो कंडक्ट करने की अथॉरिटी दी है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी है। तो जनरली हर साल ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो ये जो एग्जाम होने वाली है ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, जून 2021 में जो एग्जाम होने वाली थी वो पैंडेमिक की वजह से नहीं हुई है, इसीलिए जनवरी 2022 में एग्जाम जो होने वाली है ये एक्चुअली दिस इज द एग्जाम ऑफ दैट इज जून 2021। तो हम इसमें देखेंगे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, पैटर्न एग्जाम का कैसे है, तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज वेल एज डेट्स यहाँ पे दिए, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, फी डिटेल्स है और एप्लीकेशन प्रोसीजर की डिटेल्स। और जो एग्जाम फॉर्म आपको भरना है वो इस वेबसाइट से आपको भरना है CSIRnet.nta.nic.in। और जो स्टार्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की ये है 3rd December 2021 और लास्ट डेट है 2nd January 2022। मतलब कल से ये एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने शुरू हो गए और लास्ट जो डेट है वो है 2nd January 2022। और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस भरने की जो लास्ट डेट है ये 3 जनवरी और 3rd January 2022, ये 22 होना चाहिए यहाँ पे, 3rd January 2022 अप टू 11:50 PM। तो ये लास्ट डेट है एग्जाम फीस भरने की। उसके बाद जो फीस आपको भरनी है या फिर ये अलग अलग कैटेगरी वाले की जो फीस है ये इस तरह से है, जनरल और जनरल कैटेगरी की जो है दिस 1000 रुपीस, उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के जो फीस है वो 500 रुपीज़ है, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए ये 250 रुपीज़ फीस है, थर्ड जेंडर के लिए 250 रुपीज़ है और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज जो है इनके लिए कोई फीस यहाँ पे
नहीं है, मतलब नील है। तो ये इस तरह से फीस आपको भरनी है, ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करने हैं आपको। और ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के बारे में, अगर कुछ करेक्शंस आपको करने हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑनलाइन ही पॉसिबल है ये। और ये डेट जो है करेक्शन के लिए, ये 5th जनवरी 2022 टू 9th जनवरी 2022, मतलब इसी दौरान अगर आपको कुछ करेक्शन करने हैं तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो है कैंडिडेट से एनटीए की वेबसाइट पे, वो इसकी डेट वहाँ पे लेटर अनाउंस, मतलब बाद में अनाउंस की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, मतलब ऑनलाइन एग्जाम है ये। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टोटल टाइम जो है वो 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स की ये एग्जाम है। और जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, डेट्स जो एग्जामिन के, ये 29th जनवरी, 5th फेब्रुआरी एंड 6th फेब्रुआरी 2022। और जो टाइमिंग है एग्जामिनेशन का, ये शिफ्ट पे होती है। शिफ्ट 1 जो है टाइमिंग है 9 AM टू 12 आफ्टरनून, और शिफ्ट 2 का जो टाइमिंग है ये 3 PM टू 6 PM। तो इस तरह से ये 2 शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगी। उसके बाद सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया जाएगा, जैसे कि आपने वहां पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करोगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज, मतलब आंसर की भी वहां पे डिस्प्ले की जाएगी एग्जाम होने के बाद। तो ये बाद में अनाउंस की जाएगी वेबसाइट पे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट, इसकी भी डेट वहां पे बाद में अनाउंस की जाएगी। और जो वेबसाइट आपको चाहिए कि जिसकी सहायता से आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे या फिर भर सकते हो, ये CSIRnet.NTA.NIC.in या फिर NTA.AC.in। तो इस तरह से ये आप वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, फीस कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पे करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एग्जाम है ये किस तरह की एग्जाम है, ज्वाइंट CSIR या फिर जिसे हम CSIR नेट JRF एग्जाम बोलते हैं, कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। और जो अगर आपको मतलब JRF लेनी है, फेलोशिप लेनी है, तो आपको ये एग्जाम अच्छी रैंक से पास होनी पड़ती है या फिर एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। और उसके बाद जो फेलोशिप आपको मिलती है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये एक तो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए कंडक्ट की जाती है या फिर लेक्चरशिप के लिए कंडक्ट की जाती है, मतलब अगर आपको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या फिर इंस्टीट्यूट्स में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर करके ज्वाइन होना है, लेक्चरर करके ज्वाइन होना है, तो ये एग्जाम आपको नेशनल लेवल पे क्लियर करनी पड़ेगी, पास होनी पड़ेगी। और दूसरा जो फायदा है इस एग्जाम का, कि आपको फेलोशिप मिलती है यहाँ पे CSIR इंस्टीट्यूट जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे फेलोशिप आपको मिलती है। और जो फेलोशिप जिसे हम ये अब ज्वाइंट CSIR UGC फेलोशिप कहते हैं या फिर ज्वाइंट JRF कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद 2 साल के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप वहाँ पे मिलती है। तो ये इस तरह से ये फेलोशिप वहाँ पे दी जाती है, मतलब अगर आप ये अच्छी तरह से एग्जाम क्लियर हो जाएंगे तो। और जो फेलोशिप जो मिलती है ये एक स्टाइपेंड के फॉर्म में मिलती है। स्टाइपेंड के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे अगर आपको JRF या ये एग्जाम अच्छी तरह से आप अच्छे रैंक से पास हो गए और JRF के लिए अगर सिलेक्टेड हो गए, तो आपको जो स्टाइपेंड मिल जाता है ये 31,000 रुपीज पर मंथ के लिए, मतलब फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए मिलता है। मतलब पहले 2 साल के लिए आपको 31,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, और इंस्टीट्यूट को और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को भी वहाँ पे 20,000 रुपीज पर फेलो के लिए मिलता है। तो ये स्टाइपेंड है। और उसके बाद 2 साल आपके कंप्लीट होने के बाद, मतलब JRF एज अ JRF करके आपने 2 साल कंप्लीट करने के बाद, अगर आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे PhD के लिए होता है उसी CSIR इंस्टीट्यूट में, तो आपकी जो फेलोशिप है ये अपग्रेड होती है, एंड उसे हम कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप और SRF। और जो स्टाइपेंड है वो भी आपका वहां पे बढ़ता है। एंड उसके बाद, मतलब जब आप SRF अपग्रेड हो जाएंगे SRF के लिए और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो आपका जो स्टाइपेंड है ये
35,000 रुपीज पर मंथ हो जाता है। एंड उसके बाद 3 साल तक ये आपको स्टाइपेंड वहां पे मिलता है, जो कि हर महीने में 35,000 रुपीज वहां पे आपको मिलेगा ये स्टाइपेंड। तो इस तरह से ये स्टाइपेंड के बारे में हमने देखा है। उसके बाद जो है, तो ये जो एग्जामिनेशन है, तो ये मैंने ये डेट्स वगैरह आपको बताया कि ये एग्जाम कब होने वाली है और कौन से, मतलब जनवरी मंथ में एग्जाम होने वाली है। उसके बाद जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि मतलब कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कि ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस एग्जाम के लिए, एक तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब यहाँ पे एमएससी होना चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री एमएससी के इक्विवेलेंट, या फिर आपका इंटीग्रेटेड बीएस बैचलर ऑफ साइंस और एमएस मास्टर ऑफ साइंस होना चाहिए। अगर आपकी ये 4 इयर्स की डिग्री है बीएस की, वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और एमबीबीएस विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ओके, तो ये सब कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो मार्क्स जो है ये 55% है जनरल कैटेगरी के लिए, और जनरल ईवीएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एंड 50% मार्क्स जो है ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये इस तरह से ये फर्स्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी। और अगर आपने एनरोल कैंडिडेट से, मतलब अभी ये कोर्स आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आप पढ़ रहे हो, तो आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो, मतलब फाइनल ईयर में अगर आप हो तो। लेकिन अगर आप ये एग्जाम पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो 2 साल में आपको ये जो एलिजिबिलिटी या फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपको पास होनी पड़ती है, क्लियर करनी पड़ती है। मतलब समझो कि आप एमएससी सेकंड ईयर में हो और आपको एग्जाम अपियर करके आप क्वालिफाई भी हो गए, एग्जाम सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम आप क्वालिफाई हो गए, तो आपको 2 साल के अंदर आपका एमएससी वहां पे कंप्लीट होना चाहिए। तो वैसे तो एक ही साल आपका रहता है, लेकिन कुछ का रीजन की वजह से आपके साल कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो 2 साल के अंदर आपको ये एमएससी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप नेट या फिर वो जो लेक्चरशिप है या फिर जेआरएफ है उसके लिए क्वालिफाई रह सकेंगे। और आपको अगर एप्लीकेशन करना है, कि क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप इस, मतलब ये क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे जो मतलब अपियर भी कैंडिडेट्स अगर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कैंडिडेट्स, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि एमबीबीएस इट इज अ बैचलर्स डिग्री, या फिर बी बीटेक ये बैचलर्स डिग्री है, तो अगर कैंडिडेट्स दोज हुए ओनली बैचलर्स डिग्री, दे आर इलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जेआरएफ के लिए फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेक्चरशिप के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां पे वो इलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो बी यहाँ पे दिया है उन्होंने कि बी बीएस बीटेक बी फार्मा एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स दे आर इलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली, मतलब आपको फेलोशिप मिल सकती है, लेकिन दीज कैंडिडेट्स विल नॉट बी इलिजिबल फॉर लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि अगर आपको लेक्चरर होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर करके होना है, तो आपको वहां पे पीजीयू इसेंशियल है, पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे इसेंशियल है। तो ये इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मतलब बाकी के कैंडिडेट्स भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जो एज लिमिट है ये मैक्सिमम 20 ईयर्स है, 28 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2020, एंड दिस अपर एज लिमिट दैट कैन बी रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स इन केस ऑफ एस सी एस टी थर्ड जेंडर देन पर्सन विथ डिसेबिलिटी और फीमेल एप्लीकेंट्स। मतलब इन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, मतलब 33 ईयर्स हम कह सकते हैं, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 ईयर्स के लिए ये रिलैक्सेशन है एज लिमिट में। और जो लेक्चरशिप के लिए अगर आपको अप्लाई, मतलब एग्जाम देनी है एलएस जिसे हम कहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट वहां पे नहीं है। तो इस तरह से ये एज लिमिट है अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, और जेआरएफ एंड लेक्चरशिप के लिए।
तो ये जो है ये डिटेल्स, एग्जामिनेशन की डिटेल्स हैं। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसे हम सीबीटी कहते हैं, मतलब ऑनलाइन एग्जाम है। और जो पैटर्न जो है एग्जाम का ये अलग अलग है थोड़ा सा, मतलब केमिकल साइंसेस के लिए डिफरेंट है, अर्थ एटमोस्फेरिक एंड ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस के लिए डिफरेंट है, उसके बाद लाइफ साइंसेस के लिए ये पैटर्न है। तो ये इस तरह से पैटर्न है। पार्ट ए में आपको टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस पार्ट ए में 20 रहेंगे, पार्ट बी में 50 रहेंगे एंड पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो है 145। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, 20 में से आपको ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चंस ऑप्शन मतलब अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन, पार्ट बी में 35 क्वेश्चन, पार्ट सी में 25 क्वेश्चन, और टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं 75 क्वेश्चंस। देन मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर जो है पार्ट ए में 2, पार्ट बी में 2 और पार्ट सी में जो है ये एक क्वेश्चन, वहां पे 4 मार्क कराया गया करेक्ट आंसर का। तो ये इस तरह से टोटल जो मार्क्स रहेंगे ये 200 के मार्क्स रहेंगे। और मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर आपने यहाँ पे कुछ रॉन्ग आंसर दिए तो ये यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है फॉर पार्ट ए बी एंड सी एंड दैट इज 25%। मतलब ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आंसर है करेक्ट आंसर, तो अगर आपने रॉन्ग कर दिया एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो आपके 0.5 मार्क्स वहां पे माइनस हो जाएंगे, 25%। ये 2 का 25% जो होता है ये 0.5% होता है। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कुछ एक आधा रॉन्ग कर दिया या फिर आपका गलत है तो वहां पर आपके 1 मार्क वहां पे माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। तो मैंने लाइफ साइंसेस का यहाँ पे बता दिया। उसके बाद जो है मतलब एज लिमिट हो गई, डिटेल्स एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने बोल दिया, और नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो ये जो वेबसाइट मैंने बताई थी यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, मतलब वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये एग्जामिनेशन डेट जो है, ये जो टाइमिंग जो है एग्जामिनेशन का, ये इस तरह से 9 AM to 12 noon फर्स्ट शिफ्ट के लिए। तो इस तरह से आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। सो ऑल डिटेल्स आई हैव गिवन हियर, जो कि शुरू में इम्पोर्टेंट्स है, और जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका प्रिपरेशन वहाँ पे आप शुरू कर सकते हो। वैसे तो प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली होना चाहिए, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं प्रिपरेशन तो ये 1.5 2 महीने में या फिर 50 to 55 डेज में आप अच्छी तरह से वहाँ पे कवर कर सकते हो। थैंक यू।